अभी आपको बताएं कि ग्रेटर इकबाल पार्क के सामने नाबीना अफराद का एहतजाज सामने आया है। स्टेशन मस्ती गेट से लारी अड्डा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। वार्डन ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने में मसरूफ हैं। स्टेशन से आने वाली ट्रैफिक को मतबादल रास्तों पर डायवर्ट करवाया जा रहा है। सीटीओ का ऐसा कहना है। नाबीना अफराद ने ग्रेटर इकबाल पार्क के बाहर धरना दे दिया है और इस धरने के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और धरने के बायस ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी सुस्त रवि का शिकार है और इसी हवाले से ट्रैफिक वार्डन्स भी डाइवर्जन बना रहे हैं ताकि ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाया जा सके। आपको बता रहे चलें कि वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने में मसरूफ़ हैं। स्टेशन से आने वाली ट्रैफिक को मतबादल रास्तों पर डाइवर्ट करवाया जा रहा है। नाबीना अफराद ने ग्रेटर इकबाल पार्क के बाहर धरना दे दिया है और इस धरने के कुछ मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको बताएं कि ग्रेटर इकबाल पार्क के सामने नाबीना अफराद का एहतजाज सामने आया है। स्टेशन मस्ती गेट से लारी अड्डा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। वार्डन ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने में मसरूफ हैं। स्टेशन से आने वाली ट्रैफिक को मतबादल रास्तों पर डायवर्ट करवाया जा रहा है। सीटीओ का ऐसा कहना है। नाबीना अफराद ने ग्रेटर इकबाल पार्क के बाहर धरना दे दिया है और इस धरने के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और धरने के बायस ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी सुस्त रवि का शिकार है और इसी हवाले से ट्रैफिक वार्डन्स भी डाइवर्जन बना रहे हैं ताकि ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाया जा सके। आपको बता रहे चलें कि वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने में मसरूफ़ हैं। स्टेशन से आने वाली ट्रैफिक को मतबादल रास्तों पर डाइवर्ट करवाया जा रहा है। नाबीना अफराद ने ग्रेटर इकबाल पार्क के बाहर धरना दे दिया है और इस धरने के कुछ मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। आपको बताएं कि ग्रेटर इकबाल पार्क के सामने नाबीना अफराद का एहतजाज सामने आया है। स्टेशन मस्ती गेट से लारी अड्डा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। वार्डन ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने में मसरूफ हैं। स्टेशन से आने वाली ट्रैफिक को मतबादल रास्तों पर डायवर्ट करवाया जा रहा है। सीटीओ का ऐसा कहना है। नाबीना अफराद ने ग्रेटर इकबाल पार्क के बाहर धरना दे दिया है और इस धरने के कुछ मनाजिर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और धरने के बायस ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी सुस्त रवि का शिकार है और इसी हवाले से ट्रैफिक वार्डन्स भी डाइवर्जन्स बना रहे हैं ताकि ट्रैफिक की बहाली को यकीनी बनाया जा सके। आपको बता रहे चलें कि वार्डन्स ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने में मसरूफ हैं। स्टेशन से आने वाली ट्रैफिक को मतबादल रास्तों पर डाइवर्ट करवाया जा रहा है। नाबीना अफराद ने ग्रेटर इकबाल पार्क के बाहर धरना दे दिया है और इस धरने के कुछ मनाजिर अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं।